जनपद में डेल्टा प्लस का मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के रुद्रपुर तहसील के निबाही गांव में डेल्टा प्लस का मरीज मिलने से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि रुद्रपुर तहसील क्षेत्र के निवही गांव के रहने वाले मोहम्मद रफीक, जिनकी उम्र 66 वर्ष थी, जिनकी 29 मई को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई थी। डेल्टा प्लस वेरिएंट की जांच के लिए सैंपल भेजा गया था। कल जांच रिपोर्ट आई जिसमें डेल्टा प्लस की पुष्टि हुई। आपको बता दें कि CMO डॉक्टर आलोक कुमार पांडे के साथ मेडिकल टीम ने निवही गाँव का दौरा किया। उन्होंने संक्रमित के संपर्क में आए लोगों की सूची बनाई। CMO ने पूरे गाँव के लोगों की कोरोना जाँच कराने का निर्देश दिया है। गांव को कैंटोनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। गांव के लोग 14 दिन तक स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में रहेंगे। आज से गांव में कोरोना वायरस का वैक्सीनेशन का कार्य शुरू करने का निर्देश दिया गया है। कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट की चपेट में आए शख्स की 7 मई को तबीयत खराब हुई थी। उसको हल्का बुखार होने पर चौराहे के मेडिकल स्टोर से दवा ली थी। 13 मई को बुखार बढ़ने लगा और सीने में जकड़न हो गया। फिर भी उसने झोला छाप से ही उपचार कराया। 16 मई को उसे सांस लेने में तकलीफ हुई तो CSC रुद्रपुर जाकर RT-PCR टेस्ट के लिए नमूना दिया। उसी दिन एंटीजन टेस्ट में उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 17 मई को वह गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया। स्थिति में सुधार नहीं होने पर 24 मई को ICU में शिफ्ट कर वेंटिलेटर पर रख दिया गया था। राजमिस्त्री का कार्य करने वाले रफीक की 29 मई को मृत्यु हो गई थी। संक्रमित व्यक्ति का कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। इस बाबत CMO ने कहा कि संक्रमित में डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि हुई है। संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए गांव में ICMR के गाइडलाइन के अनुसार सभी एहतियात बरते जा रहे हैं। देवरिया से हमारे संवाददाता प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। स्वर्गीय मोहम्मद रफीक हैं, 66 वर्ष के, निबही ग्राम रुद्रपुर ब्लॉक के रहने वाले हैं। इनकी रिपोर्ट आई है डेल्टा प्लस वेरिएंट पॉजिटिव की। उस गांव में मैं भी गया था कल, हमारी टीम भी गई थी, हमारी IDSP टीम गई थी, हमारे डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस अफसर, एडिशनल CMO, मेडिकल अफसर इंचार्ज सभी लोग वहाँ गए थे। वहाँ सर्वे हुआ। आज वहाँ पर वैक्सीनेशन और सैंपलिंग दोनों कार्य करवा रहे हैं। सर, उनको ट्रैवल हिस्ट्री क्या रही है? जो उनकी कोई ट्रैवल की पॉजिटिव हिस्ट्री नहीं बता रहे हैं लोग। उनके घर वाले तो डिनाई कर रहे थे, लेकिन वहाँ जाने पर पता लगा कि गांव में मस्जिद है, वहाँ वो आते जाते रहे हैं। राजगीर मिस्त्री रहे हैं काम प्रोफेशन से, और बाकी चीज़ें हम लोग सैंपलिंग करवाते हैं, रिपोर्ट आती है तो बात करते हैं। सर, उनका नाम क्या है, मौत कहाँ हुई, कब, किस तारीख को? उनका नाम मोहम्मद रफीक है, 66 वर्ष, और BRD मेडिकल कॉलेज में उनकी मृत्यु हुई। कब सर? कब? 29 मई 2021 को। कितने महीने बाद रिपोर्ट मिली आपको? नहीं, हमें तो कल मिली रिपोर्ट, तुरंत हमने अपनी टीम को सक्रिय किया, मैं खुद भी गया। ठीक है, हम जाने रहे, बाहर ही हैं।